तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा की फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। शमशेरा एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा यानी कि YRF ने। और इस फिल्म की लीड कास्ट में हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर देखने को मिल रहे हैं। शमशेरा फिल्म का टोटल बजट है 150 करोड़ और इस फिल्म को इंडिया में 4,350 स्क्रीन पर और ओवरसीज यानी कि विदेशों में 1,200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और ऐसे करके शमशेरा फिल्म को वर्ल्ड वाइड 5,500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। बात करें शमशेरा फिल्म के कलेक्शन की तो मॉर्निंग के टाइम में शमशेरा फिल्म को जिस तरीके का ऑक्यूपेंसी मिला है उसे देखकर लगता है कि शमशेरा फिल्म अपने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर सकता है 11 करोड़ का। वैसे ये फिल्म पब्लिक को पसंद आ रहा है और इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और 4 साल के बाद रणबीर कपूर उतरे हैं बॉक्स ऑफिस पर अपनी शमशेरा फिल्म को लेकर। तो आप शमशेरा फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।